हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में रेडमी नोट 11, रेडमी नोट 11S, रेडमी नोट 11T और रेडमी नोट 11 प्रो का कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। इन साथ में इन चारों में से कौन सा मोबाइल बेस्ट है ये भी बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये चारों मोबाइल में से रेडमी नोट 11 एंड 11S 6GB 64GB वेरियंट वाले हैं और रेडमी नोट 11T एंड 11 प्रो 6GB 128GB वेरिएंट वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, सबसे पहले हम इन चारों मोबाइल का एंतुतु टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का एंतुतु स्कोर ज़्यादा है और कौन से मोबाइल का एंतुतु स्कोर कम है। दोस्तों, चारों मोबाइल का एंतुतु टेस्ट हो चुका है, जिसमें रेडमी नोट 11 का स्कोर 214,000 है, रेडमी नोट 11S का स्कोर 249,000 है, रेडमी नोट 11T का स्कोर 294,000 है और रेडमी नोट 11 प्रो का एंतुतु स्कोर 264,000 है। मतलब कि दोस्तों, रेडमी नोट 11T का एंतुतु स्कोर सबसे ज़्यादा है एंड रेडमी नोट 11 का एंतुतु स्कोर सबसे कम है और रेडमी नोट 11S एंड 11 प्रो के एंतुतु स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट हम इन चारों मोबाइल में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक फास्ट है। दोस्तों, वैसे चारों मोबाइल के फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक फास्ट एंड अच्छे हैं, लेकिन रेडमी नोट 11 का फिंगरप्रिंट बाकी के तीन मोबाइल के मुकाबले थोड़ा स्लो है। अब नेक्स्ट दोस्तों, हम इन चारों मोबाइल में डाउनलोडिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इन चारों मोबाइल को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। अब चलो डाउनलोडिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट राउंड में सबसे पहले Redmi Note 11 में ऐप डाउनलोड हुई है, फिर Redmi Note 11 Pro में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Redmi Note 11S में ऐप डाउनलोड हुई है और लास्ट में Redmi Note 11T में ऐप डाउनलोड हुई है। एंड अब सेकंड राउंड में देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, सेकंड राउंड में इस बार भी सबसे पहले Redmi Note 11 में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद 11 Pro में ऐप डाउनलोड हुई है एंड फिर 11S में ऐप डाउनलोड हुई है और लास्ट में 11T में ऐप डाउनलोड हुई है। अब देखते हैं कि लास्ट राउंड में क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों, लास्ट राउंड में इस बार सबसे पहले Redmi Note 11 Pro में ऐप डाउनलोड हुई है, फिर Redmi Note 11T में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Redmi Note 11S में ऐप डाउनलोड हुई है और लास्ट में Redmi Note 11 में ऐप डाउनलोड हुई है। तो सिंपल बात है दोस्तों, डाउनलोडिंग स्पीड Redmi Note 11 और 11 Pro की अच्छी है। अब नेक्स्ट दोस्तों, हम इन चारों मोबाइल में ऐप्स ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल ऐप्स ओपन करने में सबसे फास्ट है।
तो दोस्तों टोटल 15 ऐप्स है, जिसमें से Redmi Note 11 में 15 में से एक ऐप पहले नंबर पर ओपन हुई है, 4 ऐप दूसरे नंबर पर ओपन हुई है, 8 ऐप तीसरे नंबर पर ओपन हुई है और 2 ऐप चौथे नंबर पर ओपन हुई है। और Redmi Note 11s में 15 में से 7 ऐप पहले नंबर पर ओपन हुई है, 6 ऐप दूसरे नंबर पर ओपन हुई है, 2 ऐप तीसरे नंबर पर ओपन हुई है एंड चौथे नंबर पर एक भी ऐप ओपन नहीं हुई है। और Redmi Note 11T में 15 में से 10 ऐप पहले नंबर पर ओपन हुई है, 4 ऐप दूसरे नंबर पर ओपन हुई है, 1 ऐप तीसरे नंबर पर ओपन हुई है एंड चौथे नंबर पर एक भी ऐप ओपन नहीं हुई है। और Redmi Note 11 Pro में 15 में से एक ऐप पहले नंबर पर ओपन हुई है, 5 ऐप दूसरे नंबर पर ओपन हुई है, 3 ऐप तीसरे नंबर पर ओपन हुई है एंड 5 ऐप चौथे नंबर पर ओपन हुई है। और कुछ ऐप्स में टाई भी हुई है, मतलब कि दो मोबाइल में ऐप्स सेम टाइम पर ही ओपन हुए हैं। का मतलब कि दोस्तों ऐप्स को ओपन एंड लोड करने में Redmi Note 11T और Redmi Note 11S ज़्यादा अच्छे है। और अब लास्ट टेस्ट में हम इन चारों मोबाइल का रैम मैनेजमेंट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल बैकग्राउंड में ऐप्स को रन करने में अच्छा है। दोस्तों Redmi Note 11 एंड 11s में 5 में से एक एक ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे थे एंड Redmi Note 11T में 5 में से एक भी ऐप बैकग्राउंड में नहीं चल रहा था। और Redmi Note 11 Pro में 5 में से 2 ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे थे। तो दोस्तों ऐप्स को बैकग्राउंड में रन करने में Redmi Note 11 Pro अच्छा है। तो दोस्तों यह था Redmi Note 11, Redmi Note 11s, Redmi Note 11T और Redmi Note 11 Pro का कंपेरिजन वीडियो। वैसे चारों मोबाइल फास्ट एंड अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों Redmi Note 11s एंड Redmi Note 11T इन चारों मोबाइल में बेस्ट है। आप इन दो में से किसी एक मोबाइल को खरीद सकते हो, क्योंकि यही दोनों मोबाइल बेस्ट है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।